अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं कोइलवर सोन किनारे बहुत ही जबरदस्त सीन है तो मैं आपको दिखाते चलूँ। शाम का भी वक्त हो रहा है 5:35, तो देखिए ये आपको नाव दिख रहा है, मैं आपको जूमिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए सुंदर सा नज़ारा, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए भी हैं और यहाँ का आनंद उठा रहे। तो उससे पहले मैं चलूँ आपको दिखाते हुए कि पहले ये सोन का जो है, यहाँ पर कुछ लोग मछली मार रहे हैं और वे सुंदर नज़र है और काफ़ी अच्छा रोमांचिक है। अगर आप शाम के वक्त खाली, अगर आप कोइलवर के नज़दीक हैं तो मेरे भाई आके इस मैप में आप ज़रूर आके कभी आनंद उठाएं यहाँ का। देखिए जस्ट आपको मैप में मैं रूटिंग दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको जगह दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। जैसे देखिए आप बालू किनारे आते हैं, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आगे आएंगे बहुत सुंदर तरह का साफ सुथरा है, यहाँ पे कोई बाथरूम वगैरह नहीं रहता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग पब्लिक भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए यह ज़मीन को देखिए और यहाँ पे गमछा बैठा के भी हम बैठे हुए थे। यहाँ पे जाने माने ड्रामी एक मुमताज़ कुरैशी जी हैं यहाँ पे, तो मैं चलूँगा उनसे बात भी करूँगा कि यहाँ पे आप आनंद उठा रहे हैं, कैसा क्या माहौल लग रहा है और आप अच्छे बैठे हुए हैं, गर्मी का वेदर है, गर्मी का मौसम है। तो चलिए तो फिर मैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ और बाकी मैं आपको दिखा दिया हूँ और यहाँ का मस्ती उठाते हुए लोग हैं। तो चलते हैं मैं मुमताज कुरैशी के पास। जी मुमताज साहब, मैं तो पहले आपको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप यहाँ के किस तरह का से मस्ती उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसा लग रहा है यहाँ माहौल? मेरे पब्लिक बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, शाम का समय है, बहुत आदमी यहाँ पर बैठा हुआ भी है, जनावर आदमी नहा भी रहा है। और यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ का तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है, समझिए कि एक कश्मीर में हम लोग बैठे हुए हैं। गर्मी का मौसम तो है मगर नदी किनारे आकर बैठने में बहुत ही आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर किसी को कहा जाए कि शाम के समय नदी किनारे आकर बैठे तो जितना रोग है वो ख़त्म हो जाता है, शुगर फुगर जो भी इसका होगा सब ख़त्म हो जाता है। मगर आजकल के आदमी क्या है, यहाँ का आदमी फैट ज़्यादा खाता है, फैट खा के फैट शरीर फैलाया रहता है। हम लोग यहाँ पर डेली आके बैठते उठते हैं, अच्छा लगता है, मौसम बहुत सुहाना है। और ये सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे बड़ी बीमारी से भी लोग इनसे यहाँ पे आने से थोड़ा सा बचते हैं। बात यही है कि शुद्ध हवा लेने से फायदा ये है कि हर चीज़ हर समय पर, मान ली किसी का रोग है, कोई का बलाय है, मान ली कि वो शुद्ध हवा खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा एक मिनट के लिए थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे नाव लेके जा रहे हैं, यहाँ पे मछली मारे। क्या भाई आपने मछली मारा है कुछ अभी तक? एक मिनट रुकेंगे। हेलो भाई साहब, ए भाई, हेलो दोस्त, इधर देखो ये सर मार रहा है और ये वीडियो में नहीं आना चाह रहा है, इसकी मुँह से पता चल रहा है क्योंकि मुझे पहचानता है कि ये वीडियो वायरल होता है इसके पास, इसलिए वो शकल छिपा रहा है, अगर बढ़ा रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो चलिए फिर से मैं थोड़ा सा रुकवाए थे मुमताज कुरैशी जी को, हम थोड़ा सा रुकवाए थे उनसे, मैं पूरा कर लेता हूँ क्लियर। तो ये यार बहुत अच्छा यहाँ पे आनंद उठाने के लिए जगह है। चलिए फिर मैं कुछ छोटा बड़ा मैं बात करता हूँ, बोलिए बताएंगे मुमताज कंटिन्यू। यहाँ पर आप लोग भी आइए जी, हमारे गाँव का, हमारे मोहल्ला का, बाहर का भी आदमी आ सकते हैं, यहाँ पर आइए, शाम के समय दौड़ लगाइए, घूमिए फिरिए, शुद्ध हवा खाइए, यानी कि पार्क से अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा। और नदी किनारे नदी किनारे ऐसा नदी किनारा है कि यहाँ पर इतना मस्त लगेगा आप लोगों को कि आइएगा, नहाइए तो आइए, घूमिए फिरिए, दौड़िए, अच्छा लगता है, हर रोग से हर बलाय से आप दूर रहिएगा। हमने ये कहा ना कि आप लोग भी आइए शाम के समय, सुबह के समय टहलिए, घूमिए फिरिए, आपके लिए बहुत सेहत के लिए अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग डेली आगे बैठते उठते हैं, डेली अपना नहाते धोते घूमते फिरते हैं, और जो भी आदमी रहता है उसको हम लोग सलाह देते हैं कि भैया आप लोग आइए यहाँ पर आकर अपना घूमिए फिरिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ की मतलब घूमने फिरने से, चलने फिरने से स्वस्थ शरीर रहता है आदमी, स्वस्थ रहिए। और क्या कहूँ आपसे, यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुमताज कुरैशी, जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं वो देख रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ समझ में आएगा और आएंगे। और ये मेरे तरफ से मैसेज है कि आप नहाने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो नहीं जानते हैं, जो नहाने के लिए कहीं बीच में गड्ढा है, कहीं कुछ है, अगर आप तैरने नहीं जानते तो कभी ज़िंदगी में ये रिस्क मत लीजिएगा। और धरिए कैमरा और मैं आपको अपना पोजीशन दिखा दूं कि अभी मेरा सिचुएशन क्या हो रहा है। वहाँ पे उधर अभी तो ये देखिए इसका पैंट जो है नीचे में गिर रहा है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने। खैर एनी वे मेरे साथ आज कैमरा मैन अच्छा नहीं है, वो कुछ भी बोल दे रहा है, बस मैं मजबूर हूँ आज हाथ से, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक है मेरा घर, तो इसलिए मैं पीछे पीछे पैदल चले आया और आप लोगों के लिए एक वीडियो, एक अच्छा सा ठंडा, अच्छा सा माहौल बनाए हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं, ओके गुड बाय।